दोस्तों, आपने पुलिस थाना, पुलिस चौकी और कोतवाली के बारे में तो सुना ही होगा, और ये नाम सुनने के बाद आपके मन में एक सवाल आया होगा कि इनमें क्या अंतर होता है और ये एक दूसरे से अलग क्यों होते हैं। तो आज का हमारा वीडियो इसी के बारे में है, तो वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, जो पुलिस चौकी होती है वो किसी थाने के अधीन कार्यरत होती है, और पुलिस चौकी किसी थाने के अधीन कार्यालय की तरह होती है, और पुलिस चौकी की अध्यक्षता किसी सब इंस्पेक्टर के हवाले से होती है। और वही अगर बात करें पुलिस थाने की, तो पुलिस थाने का नेतृत्व इंस्पेक्टर करता है, जिसे एचएसओ कहा जाता है। और आपको बता दें कि एसएचओ का फुल फॉर्म स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है। और इसके अलावा इन दोनों में मुख्य अंतर यह होता है कि अन्य शिकायतें और एफआईआर सिर्फ पुलिस स्टेशन में ही दर्ज की जाती है, और एफआईआर और अन्य शिकायतें लेने का काम पुलिस चौकी नहीं करती है, और पुलिस चौकी सिर्फ कानून और व्यवस्था को सही रखने का काम करती है। और आपको कानूनी चौकी अलग अलग जगहों पर दिखाई दे सकती है, और पुलिस चौकियां जगह जगह पर बनाई जाती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कोतवाली किसे कहा जाता है। दोस्तों, जो पुराने थाने होते हैं उन्हें ही कोतवाली कहा जाता है, यानी कि आप ये मान सकते हैं कि थाना और कोतवाली एक ही चीज़ होते हैं। दोस्तों, आपने एक बात ज़रूर नोटिस की होगी कि पानी की टंकी जिससे इलाकों में पानी पहुँचाया जाता है वो आमतौर पर काफ़ी ऊंचाइयों पर बनी होती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पानी की टंकियों को इतनी ऊंचाई पर क्यों बनाया जाता है? और काफ़ी सारे लोग ये सोच लेते हैं कि पानी की टंकियों को इतनी ऊपर इसलिए बनाया जाता है कि उनके अंदर का पानी सुरक्षित रहे और उन टंकियों को कोई भी खतरा ना रहे। दोस्तों, आपको बता दो कि पानी की टंकियों को एक खास वजह से इतनी ऊंचाई पर बनाया जाता है। दोस्तों, दरअसल पानी की टंकी इतनी ऊंचाई पर बनाने से पानी की सप्लाई में गुरुत्वाकर्षण बल और पानी के दबाव का फायदा मिलता है, और इस बल की मदद से थोड़ी सी बिजली में पानी को ज्यादा से ज्यादा दूर तक पहुँचाया जा सकता है, और इससे किसी पास के गाँव या इलाके में पानी पहुँचाने के लिए किसी बिजली की या मोटर और जनरेटर की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि पानी की टंकी को इतनी ऊंचाई पर क्यों बनाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबाएं और पे क्लिक करें। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।